लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो अगर हम सारे विशेषज्ञों की राय रखें जो वर्ल्ड वाइड है और सारे ऐसे देश जिन्होंने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण किया, अगर उनका हम उदाहरण दें तो ये पहले भी हमने लगातार हम फरवरी से ट्वीट कर रहे हैं और कह भी रहे लोगों से वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। जितना जिन देशों ने वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव कर लिया या सब्सटेंशियल अपनी पॉपुलेशन को अधिकांश पॉपुलेशन को जनसंख्या को जिन्होंने वैक्सीनेट कर दिया, वो कोई भी वैक्सीन हो, वो इसको बहुत आसानी से काबू कर पा रहे हैं। और जहां वैक्सीनेशन में जो देश पिछड़ गए वहां ये काल का ग्रास लोगों को बनाता चला जा रहा। हमारे यहाँ अगर जो एक आंकड़े जो विशेषज्ञों ने निकाले हैं कि आपको जो है हर रोज 90 लाख लोगों को टीका लगाना होगा, वैक्सीनेट करना होगा। जब तक आप 90 लाख लोगों को टीका रोज नहीं लगाएंगे तब तक इस चेन को नहीं तोड़ पाएंगे। और अगर हमारा जो वैक्सीनेशन का जो मौजूदा हालत है वो बहुत ही धीमी है, बहुत ही स्लो है, बहुत ही धीरे है, इस दर से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें साल दो साल लग जाएंगे। और अगर हमने वैक्सीनेशन तेजी से किया तो हम तीसरी वेव को भी रोक देंगे, वरना तीसरी वेव आना तय है, क्योंकि हमारी चेन टूटेगी नहीं। चेन नहीं टूटेगी तो आप जानिए कि समस्या बढ़ती चली जा रही। आज दिल्ली सरकार का स्टेटमेंट है कि 2 दिन की वैक्सीन बाकी है, इसके पहले कर्नाटक का था कि 2-3 दिन की बाकी है, उसके पहले महाराष्ट्र में वहां भी वैक्सीन की, तो हर जगह वैक्सीन की किल्लत मची हुई। मेरे हिसाब से मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की तैयारी करें, सारे राज्य सरकारों के लिए रेट नेगोशिएट करें, जितने वैक्सीन उत्पादक हैं या जो दे सकते हैं सबसे जो है सारी एम्बेसीज के जरिए और जो है जो यहाँ से भारत सरकार बात करके अधिक से अधिक जहां से जितनी वैक्सीन आ सकती है हमें लाने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके साथ साथ हम बाजार में भी उपलब्ध कराएं, रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए, जो खरीद के लगा सकता है अफोर्ड कर सकता है वो बाजार से खरीद के लगाए। और हर एक को हम नहीं कहते कि फ्री वैक्सीन दो, ठीक है जो गरीब लोग हैं जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन सबको फ्री देना चाहिए, लेकिन जो लोग खरीद सकते हैं उनके लिए भी मार्केट में उपलब्धता होनी चाहिए। और बाकी जो है राज्य सरकारों ने तमाम राज्य सरकारों ने अनाउंस किया कि हम फ्री वैक्सीन देंगे लेकिन उनके पास वैक्सीन नहीं, तो वैक्सीन की उपलब्धता राज्य सरकारों को सुनिश्चित करी जाए, मार्केट में होनी चाहिए। इसकी हम मांग करते हैं कि सरकार को तत्काल वैक्सीनेशन के मामले में युद्ध स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि केंद्र के मंत्री नितिन गडकरी जी से हम बोल रहे हैं कि कैसे वैक्सीनेशन ये करके करना चाहिए। इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सुझाव दिया था, लेकिन अगर केंद्र के मंत्रियों की भी जो है मांग उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा। तो इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम यही मांग करते हैं कि वैक्सीनेशन नीति में आमूल चूल परिवर्तन करके ज्यादा से ज्यादा स्तर पर कम से कम रोज 90 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, सारे राज्यों को उपलब्ध कराई जाए। और अब एक नई चिंता बच्चों की भी आ रही कि वैक्सीनेशन का बच्चों को भी कराना पड़ेगा। और बाहर के देशों में तो लोगों ने 12 से 18 के बीच में शुरू कर दिया और अब 12 से नीचे भी जा रहे हैं, 12 साल से नीचे, हमारी तो उसकी कोई तैयारी नहीं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी है, मतलब मुझे तो लग रहा है जो स्थिति आ रही पूरी 130 करोड़ की जनसंख्या को वैक्सीन लगानी पड़ेगी और इस गति से चली तो ये नहीं संभव है। तो इसलिए हम यही I would urge the Prime Minister to take it on emergency basis, urgent basis. He should speak to all the chief ministers vaccination program and it should be taken up in such a way by which it should be treated as if there is a warlike situation. Then only a solution can be found and the chain can be broken.